शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ईश्वर करण की आत्मा को शांति दे। हरिओम हरिओम। पृथ्वी जी पापा, जाओ बेटा अंदर से सामान लेके आओ। हाँ अभी लाया। यकीन ही नहीं होता कि करण अब हमारे बीच नहीं है। हमारी काव्या को छोड़कर चले गए हैं। इतनी अकेली हो गई है अब मेरी बच्ची। हौसला रखिए पार्वती जी, करण की 13वीं में हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। वो भी बुलावा आया है, इसलिए देखिएगा करण की आत्मा को भी तृप्ति मिलेगी, हमारी बच्ची के जीवन में भी धीरे धीरे सारी खुशियां लौट आएंगी। आइए आइए। अरे हाँ पार्वती जी, जाने से पहले अगर एक प्याली प्यारी सी चाय मिल जाती तो। मैं जानती थी आप चाय पी कर ही जाएंगे, इसलिए बना कर ही रखी। धन्यवाद। अभी लेकर आती। लाइए लाइए। ये लीजिए। आत्मा तृप्त हो गई। आप भी। क्या बात है पार्वती जी? एक बात पूछूं? पूछिए ना। थोड़ा अटपटा है पर मन में आया तो सोचा आपसे क्या छुपाना। पूछिए पार्वती जी, बेझिझक होके पूछिए। आयुष हमारे लिए कितना कुछ करता है, काव्या के लिए भी। काश सना का अगर रिश्ता ना आया होता तो आयुष्मान और काव्या। पार्वती जी आप जानती है ना मेरा क्या फैसला था। जिस दिन काव्या ट्रैक से लौटी थी मैं भी तो यही चाहता था, लेकिन एन मौके पर करण ने काव्या का हाथ थाम लिया। करता भी तो क्या करता, पर उस वक्त की बात अलग थी पार्वती जी। आयुष्मान अकेला था, आज नहीं है। देखिए सना एक बहुत अच्छी लड़की है और उसे चाहती भी है, और ये बात आप भी जानती हैं। हाँ। चलिए निकलने का टाइम हो गया, चलना पड़ेगा। आइए।